तो गाइस 1 2 3 मेरे साथ बोलना, 1 2 3 तो मार पड़ दिया ना वो भी दिखाऊंगा फिर, ठीक है? थोड़ा पर्सनल भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है प्रिंस। क्यों फिर ये रोता भी है? हाँ जो तू रोएगा फिर सब सारा सीन दिखाऊंगा। ये लोग देख लो, अब मुझे अप्रैल में देखना, देखो गौर से देख ले, देख ले, देख ले। बाकी मेरा तो आपको पता ही है, रोज वर्कआउट बताता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आई होप आप सब लोग बड़े होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं रौसिला। जिन लोगों को नहीं पता है रौसिला कहाँ है, वो एक हिली एरिया है, हल्द्वानी से कुछ किलोमीटर दूर है। और वहाँ से हल्द्वानी इतना प्यारा दिखता है ना भाई साहब, क्या बताऊँ। तो ब्लॉग में आखिर तक बने रहना और इसी के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर। अरे पर्स में लाइए, पर्स में क्या लाइए, पर्स में क्या लाइए है गुन्नी? कुछ नहीं वाला फोन। अरे दिखा फोन, दिखा मैं आपको एक जादू दिखाऊं। हाँ कि अरे मम्मी मेरी ले लो, मैं अच्छी लाइटी रुको, धीरे धीरे खा 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 रुको ना। गुन्नी और क्या क्या लाई है पर्स में? अरे लिपस्टिक और भी है, रबड़, लिपस्टिक, रबड़ और ये क्या है, ब्रश, उस दिन वाला। ये क्या है, अरे बाप रे इसको सब पता है यार। और ये क्या होता है, डल्ले का नेकलेस, क्या हुआ आस्था दिखा इधर, ये आस्था ये है क्या गाइज, ये क्या हुआ, हाथ किस किसने काटा, हाथ किसने काटा, ओहो नया फैशन है प्रिंस। पजामा के बाहर से क्या पहनना है, निक्कर पहन रही किसने है, काला काला, अच्छा पाँव बचाने हैं और हाथ क्यों नहीं बचा रहा फिर, हाथ हाथ भी तो काले होंगे फिर। वो पहनूंगा ना जो होते हैं, अच्छा स्लीव्स। हाँ। गाइस मम्मी की भी आवाज से पता लगा, मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है आज, क्या गले में दर्द हो रखा है, टॉन्सिल हो रखा ना, बुखार भी, वही आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है ना कि यार तबीयत खराब हो जाती है। और मम्मी की ऐसी रहती है, थोड़ा सांस ढीला ही रहता है, वही आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। चल चल लिया संतरा, और इसको देखो ब्रूनो को देखो, रिएक्शन चेक करना इसका, तुम बस देखते रहो वो, बस को दूर से आ जाती है संतरे की खुशबू। अगर ब्रूनो यहाँ पे है और किचन में संतरा अगर छिला किसी ने तो किचन में चल देगा, वो देखो फेवरेट है संतरा उसका, यहाँ पे नहीं आया संतरा, छिक्कल है वो, छिक्कल को संतरा समझ रहा गर्मी तो आ रही है वही, हाँ मैं भूल गया था गाइस आपको दिखाना, ये देखो इसमें आम आएंगे बोरे, पता है आपको क्या होता है कि यार क्या कहते हैं जी ने बोरों को, मतलब आमों के फूल आ गए एक तरीके से कहा जाए तो, अब इनमें इनमें छोटे छोटे आम आएंगे, फल लगेंगे फिर बड़े आम खाऊंगा यार। ऐसा होता है ना अभी इतने, एक ना एक बार आधी आती है ना इस बीच, एक दो बार आती है फिर वो आधे तो ऐसे ही झड़ जाते हैं बोरे,
ये हर बार का है कि एक न एक बार आधी आती है। इस मौसम में हर में आड़ू में फूल आ जाते हैं, सेब में, पुलम में फूल आ जाते हैं। हाँ, पहाड़ में ना वही। चाची जब छोटी थी ऐसी करते होगी। मम्मी क्या बोल रहे, चाची जब छोटी होगी तब ऐसी करते होगी। काफल भी आते हैं, फूल लाते थे वही वही। काफल भी आते हैं, फिर हम काफल फूल भेलियों में डालते थे, फिर हम कहते थे हमारे जितने कलर के फूल हैं इतने कलर के कपड़े बनाने। अच्छा, एक दो महीने में तो अच्छे आ जाएंगे ना। हाँ, पूरे पक के अगले महीने के लिए पकने लग जाते हैं। आपको भी दिन गया? मतलब दो महीने के अंदर गाइस पूरा हो जाएगा, पूरा बड़े हो जाएंगे फल। आप भी खाओगे? चिंता मत, आप खुद खाओ पहले, आप खुद खाओ पहले। लाले बड़े छोटे, छोटे, छोटे। इसका इसके लिए प्यार खत्म नहीं होता कभी गाइस। ये इतना बीमार था फिर भी आस्था ने इसकी बहुत केयर करी। आस्था मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है? ये इतना बीम कर दिया और इसको अभी आधा अभी ठीक ही हो गया लगभग। ये देखो अभी ठीक ही हो गया लगभग ना। ये तो बहुत ही अभी मतलब जिस तरीके से इसकी हालत हो रही है अभी भी खत्म ही है, पर जिस अभी मतलब कमी है बट पहले से बेटर हो गया। अब समझ लो पहले कैसा हो गया था, मतलब वही इसके मतलब चलने की हालत नहीं थी। इसका पूंछ यार अगर दिख रहा होगा तो दिखाओ। ये देखो इसकी पूंछ में ऐसा हो गया था बहुत बुरा, अब तो बाल आने लग गया, सही होने लग गया। और ये पीछे से पैरालाइज टाइप का हो गया था बट आस्था लोग ने चाची लोग ने सब इसकी थोड़ी देखभाल करके डॉक्टर को दिखा दुख हो गए इसको अच्छा बना दिया मतलब एक तरीके से। तो आपके डॉग की भी तबीयत खराब है तो आस्था कह रही है कि मुझे कॉन्टेक्ट करना। बस कितने रुपये लगी? नहीं लगी ये तो खाली कैमरे में बोल लिया है, ये मांगती है 10-10 रुपए सबसे। ये गाइस ये बच्चों से लड़ता है, ये तो इतना बड़ा हो गया है ये फिर भी मत करो मारते हैं मेरे को। हाँ ये गाइस ये देखो तो ये होली हम ये क्या कर रहे हैं, होली का ऐसा ही करने वाले हैं। जीला कैसे हुआ ये होली? अभी से भी खेलने लग गया आप का होली। आप होली में? हाँ यही है प्रिंस। तूने बताया नहीं होली में क्या करने वाला था तू उसके साथ? हाँ, हम तो आपको नहीं बताऊंगा मैं। गोबर से कुछ करेंगे गोबर से हम कुछ और करेंगे, कुछ नहलाने वाला मोहित को, बुराई वाला बुराई वाला। सारे बच्चों की प्लानिंग है कि मोहित को कुछ बढ़िया सरप्राइज देने वाले मेरे ख्याल से। मैंने किसी के लिए कुछ किसी का बिगाड़ा अब पता नहीं क्या करता है। तो भाई डर लग रहा है, डर का माहौल बना हुआ है, पूरा परिवार डर हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। गोबर से नहलाना है, पानी से नहला देना, गोबर से नहला। आज दिन लोगों ने पिछली बार जीजू को बहुत गोबर से, ओ जीजू को भी बहुत हालत खराब कर दी भाई। जीजू पकड़ा आज दिखा चली हो पर पानी पानी यानी चिच्ची, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे। फिर तो भाई वाटर पार्क निकाले तो शिखा भाई चले लेते। अच्छा, और अगर पार्टी टूटेंगे ना अभी आएंगे ना चाचा, गाइस चाचा आएंगे ना अभी, इसको इसकी मार जब इसको मार पड़ती है ना वो भी दिखाऊंगा फिर, ठीक है? थोड़ा पर्सनल भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है प्रिंस। क्यों फिर ये रोता भी है? हाँ जो तू रोएगा फिर सब सारा सीन दिखाऊंगा, फिर मजा आता है। क्यों कोई दिक्कत है? मैं तो ताली बजाऊं। कोई दिक्कत है भाई? दिखा दूंगा ना, ठीक है प्रिंस? यहाँ पहुँच गए और यहाँ से निकलते हैं रोसिले की तरफ और आपको दिखाते हैं रोसिला। अज्जू क्या बोल दिया सब चीजें देखो भाई, ये लोग देख लो, आप मुझे अप्रैल में देखना, देखो गौर से देख ले, देख ले। बाकी मेरा तो आपको पता ही है, रोज वर्कआउट बताता हूँ। तो यहाँ से चल रहे हैं रोसिला की तरफ और वहाँ के प्यारे प्यारे व्यूज दिखाते हैं भाई। मजा तो भाई तेल के लिए बहस हो रही है, तेल तो डालाना पड़ेगा, कंट्री तो रोसिला जा रही है भाई। बहुत बुरी बहस हो रही है, बहुत बुरी। अच्छा भरा देना तेल, सबका उसमें भरवा रहा है, गाय से भरा नहीं रहा है यार, गाय सॉरी। रात को इसलिए जा रहे हैं रोसिला क्योंकि रात का जो व्यू है ना आपको इतना मजा आ जाएगा, आपको इस लोकेशन में आने का बहुत मन करेगा। आगे अभय लोग जा रहे हैं, अभय और अज्जू, पीछे मैं और मोहित है। और ये देखो यहाँ का रास्ता है पूरा पहाड़ वाला रास्ता, ये देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और टेंशन मत लो, मैं दोनों हाथ से चला रहा हूँ, फोन मोहित ने पकड़ा है,
मोहित मेरे भाई ने। तो ये देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पूरे पहाड़ वाले रास्ते हैं और यहाँ लोग वगैरह आते हैं बहुत घूमने उमने, मतलब देखने। देखो जैसे साइड में कार लगा रखी है, मतलब पीने खाने वाले लोग भी रहते हैं यहाँ अपना, मतलब अपने में चलो तो कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है वैसे। गाइस काउंट डाउन करते हैं 1 2 3 करके और आपको व्यू दिखाते हैं आपका। गाड़ी रोक दे मर जाएगा अज्जू आराम से भाई। तो गाइस 1 2 3 मेरे साथ बोलना, 1 2 3। गाइस व्यू बहुत तगड़ा है मेरी आंखों से देखो। आपको मेरी आंखों से देखना चाहिए, ये कैमरे में थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, मैं जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ आप समझ रहे होगे कि क्या व्यू आ रहा होगा, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, बाप रे बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडा होगा भाई साहब। ऊपर का आ रहे हो कभी भी पहाड़ की तरफ या ऐसे हिल्स की तरफ, भाई अपने साथ तो जैकेट या कुछ आउटर तो रख के लाना भाई, यहाँ कसम से इतना ठंडा हो रहा है। कहाँ पर हम स्कूटी चलाते चलाते फटाफट निकलते हैं घर को, हमारे वहाँ तो फिर भी एक हिसाब से नॉर्मल हो रहा होगा ना टेम्परेचर। और ये देखो ज़्यादा तो थोड़ा व्यू और दिख गया के ट्रीट, उसको देखो मेरे को लग रहा है आज खा लेगा ट्रीट, बहुत खुश लग रहा है। ये लो ब्रूनो भाई। कैसी नौटंकी करता है ये देखो, ये हंसी आती है कभी कभी इसको देख के। चाटने में लगा, खा ले तेरा ही है, खा ले। हाँ आपका ये खा लो, चलो फाइनली खा लिया। तो गाइस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं, होप यू गाइस लाइक माय व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग जरा भी पसंद आ रहे तो लाइक से कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताना कि गाइस व्लॉग कैसा लगा, कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताओ कि व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं।